respected dignitaries, esteemed guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Kulsum Farooq, a third year BAMS student from Government Yunani Medical College, Gandharwal. I welcome you all to attend a short play presented by the students of GUMC Gandharwal. As we are gathered here to celebrate World Yunani Day, so the theme of play is about the role of Yunani system of medicine in the treatment of non-communicable diseases like obesity, hypertension, etc. The line of treatment in Yunani system of medicine is based on the Hippocratic theory of four humors: Dam, Balgam, Safra and Soda. And the line of treatment mainly involves Ilaj bil Giza, Dietotherapy, Ilaj bil Tadbir, Regimental Therapy, Ilaj bil Dawa, Pharmacotherapy, Ilaj bil Yad, Surgery. Dear audience, this play involves a patient named Mr. Farhan, a young man suffering from severe obesity and hypertension. Let's see, with the help of holistic approach of Yunani medicine, how he gets rid of from his disease. Ladies and gentlemen, please welcome the participants of the play to the stage. Let's give a big round of applause to students as they join us. मुझे डॉक्टर से चेकअप कराना था। जी, आपका नाम? मेरा नाम फरहान है। आपकी एज क्या है? 25। कहाँ से हो आप? मैं काकापुर का रहने वाला हूँ। आपको क्या मसला रहता है? मुझे मोटापे की प्रॉब्लम और प्रेशर। ठीक है, आप ओपीडी नंबर 5 में जाइए, वहाँ पे डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए। ये किधर आएगा मैम? ओपीडी 5। आप इसे राइट। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम फरहान है। तो क्या प्रॉब्लम आपको? सर आप देख ही पा रहे हो, ये पेट बहुत ही बाहर आ गया, मैं नीचे तक नहीं देख पाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे पैसे जब नीचे गिर जाते वो भी नहीं उठा पाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को ढूंढता हूँ कि मेरे पैसे उठा दे, और इसी कारण मेरे को चलने फिरने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। थोड़ी दूर चलते मेरे सांस फूलने लगते हैं और प्रेशर भी हाई रहता है। रात को क्या होता है ना, मेरे दिमाग में अचानक से घन घन आवाज आती है, तो शायद हो सकता है मेरा प्रेशर रात को बढ़ा हो। अब एक बार चेक कर लीजिए। तो कब से आपको ये प्रॉब्लम? हाँ, 2-3 साल से। 2-3 साल से? जी। हाँ, पहले मैं खाता था एक छोटी सी गोली, अभी मैंने वो बंद कर। आपका प्रेशर तो है ही बहुत ज्यादा। आप काम क्या करते हो? मैं फिलहाल दुकान चलाता हूँ। कहाँ तक पहुँची दुकान? नहीं ऐसा नहीं, मतलब मेरी खुद की दुकान है। खुद की दुकान है? जी। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ। ठीक है सर। आप एक टेस्ट करवा लीजिए। जी। फिर आप मुझे दोबारा आके रिपोर्ट वगैरह दिखाना, फिर मैं आपको आगे मतलब आगे क्या करना है। ठीक है? ठीक है सर। एक बात पूछ रही थी, ये पानी पीने से भी वेट बढ़ता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पानी पीने से कुछ नहीं बढ़ता। लेकिन जब मैं पानी पीता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा वेट बढ़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले टेस्ट करवा लीजिए। अच्छा, अच्छा। फिर आप मुझे दोबारा देखिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक, शुक्रिया। ओके। ये डॉक्टर साहब ने पता नहीं देखो कुछ टेस्ट लिखा है, वो चेक कीजिए आप। ओके, आपकी बीएसआर, एलएफटी, केएफटी, सीबीए, सीबीसी और लिपिड प्रोफाइल होगा। ठीक है सर, करते हैं। सर प्लीज इसे टेस्ट कीजिए।
अच्छा है। ये मीठा है या नमकीन? ठीक है, आपका शुगर टेस्ट होगा इसे। सर प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको रिपोर्ट ले जाऊंगी। ठीक है मैम, शुक्रिया। ऐसे मत करो। और फरहान साहब बैठो। जी डॉक्टर साहब, आपने जो टेस्ट दिया था ना उसके रिपोर्ट्स आ गए। ठीक है, आपको दिक्कत है फरहान साहब? सर कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, आप ये दवाई खाओ, फिर मुझे दोबारा के दिखाना। ठीक है? ठीक है सर। मैं आपको एक हफ्ते की दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप एक हफ्ता दवाई खाओ, मुझे फिर से आके दिखाओ। ठीक है सर, ऐसी कोई दवाई दो जो खाते ही पेट गल के खत्म हो जाए, एकदम पतला हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी आज तक। अच्छा, आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा दवाई का। अच्छा, पूरा कोर्स पूरा करना। आप एक हफ्ता दवाई खाओ, फिर आके दोबारा दिखाओ। ठीक है, फिर चेकअप करो। ठीक है सर। ठीक है। द पेशेंट टेक्स मेडिसिन फॉर वन वीक, नाउ लेट्स सी हाउ ही प्रोग्रेसेस थ्रू हिज कंडीशन। वेट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं दोबारा चेकअप के लिए आया था। जी जी जी, जी शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और फरहान साहब तो कैसी है तबीयत आपकी आज? क्या बताऊँ सर, जब से यहाँ से गया था ना, शुरू में थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा फर्क आएगा और बॉलीवुड से ऑफर आएंगे मेरे को, मैं पतला हो जाऊंगा, तो अभी धीरे धीरे फिर तकलीफ बढ़ने लगी मेरा। अब बताओ मैं क्या करूँ सर? मुझे आपका केस थोड़ा पेचीदा लगा। हाँ दर्द कर रहा है सर, आराम से। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ और टेस्ट लिख के दे रहा हूँ। जी आप एक टेस्ट करवाइए फिर से। ठीक है सर। ठीक है जी, तो फिर आप फिर से मुझे आके रिपोर्ट दिखाना। ठीक है अपना। अच्छा डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट दिया, वो चेक करो आप एक बार। ओके सर, पहले आपकी सीटी स्कैन होगी। ठीक है सर, आपकी सीटी स्कैन होगी, मैं थोड़ी देर बाद आपको टेस्ट दूंगी। कोई मिल जाता जो इस पेट को हटा देता। कितने पैसे हुए सर? सर आपका टोटल अमाउंट 3000 होता है। यस सर। मैम एक दो सीटी कम मार लेती थोड़ा पैसे कम हो जाते। सॉरी सर, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पूरा पैसा देना होगा, खाना बहुत महंगा पड़ रहा है मेरे को। ठीक है मैम, शुक्रिया। खुदाया रहम कर। जी डॉक्टर साहब, आपने जो टेस्ट दिया था ना हाई फाई टेस्ट, वो करवा लिया मैंने, उसका रिपोर्ट भी आ गया। फरहान साहब आपकी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या हो गया सर? आपको अब 15 दिन दवाई खानी पड़ेगी। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता? उससे पहले कोई अभी तो अभी मतलब तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा? नहीं नहीं, आपको दवाई पूरी खानी पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैं आपको कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप 15 दिन दवाई खाओगे। जी, एक टेबलेट सुबह जी, एक टेबलेट शाम को, एक टेबलेट सोने से पहले जी, एक टेबलेट सोने के बाद। अच्छा ठीक है सर, आपको टेबलेट खानी है जी। 15 दिन तक आपको टेबलेट खानी है, फिर आपको 15 दिन बाद मुझे रिजल्ट दिखाना। अच्छा, फिर से आना होगा? हाँ, 15 दिन बाद। ठीक है आप खा के दवाई, ठीक, फिर मुझे बताना। ठीक है सर। डियर ऑडियंस,
the scene shifts to the patient's family. Let's see how the family discusses about Farhan's condition. आप लोग जब तक बात करो मैं चिप्स खरीद के लाता हूँ, मुझे भूख लगी। बेटा चिप्स इधर ही आ जा, लाइए मेरे से। हमने पहले से ला रखी। हाँ बता, अपने औलाद अच्छे पापा हो। आ जा आ जा, दे दे चिप्स इसको। आपने कहाँ छुपा के रखा? ये मेरी बहन जो है ना, मेरा छुपा के रख लेती है खाना। इसके बारे में मत बोल ऐसा। नहीं, ये मेरा खाना छुपा देती है, पता नहीं मेरे से जलती है क्या। ले खा ले। हमेशा खाता रहता है मोटा। मुझे भूख लगती है हमेशा, मैं क्या करूं? ये तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा होगा, टेस्टी है। पापा आपकी टोपी में क्या लगा हुआ है? कोहिनूर का हीरा। इतने भी अमीर नहीं हो गए आप, फालतू में एक जूता बोल रहा हूँ वो दिला नहीं रहे आप, कोहिनूर का हीरा लगाएंगे। सरकार तनख्वाह ही नहीं देती, क्या करूं? चिप्स अच्छा है लेकिन। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताऊं खालू, देख ही रहे हो आप, पेट को पूरा बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, कम ही नहीं हो रहा। बताओ आप क्या करूंगा? क्या करें, हमने इतने टेस्ट करवाए, इतनी दवाइयां खिलवाई, इतने पैसे लग गए, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अभी भी देखो खाए जा रहे हैं, शर्म ही नहीं है। दवाई तो तुझसे खाई नहीं जाती और चिप्स खा रहे हैं, कुछ तो शर्म कर, इतना मोटा होते जा रहा है। मुझे भूख लगी थी, खाने दो मुझे, क्या अभी चिप्स गिरा दिए मेरे। खा लू चिप्स, खा लू मैं? अजीब जानवर है, खाता ही रहता है। जानवर तो है, बचपन से मेरे हिस्से का खा रहा है। चुप कर तू कल मुही। मुझे सब बोलते हैं खाने पीने के बारे में, पता खुदाया चले के बलाए से होंगे। आराम से खा बेटा, इन्हें इनकी तरह मत देख तू। खाने नहीं देते, दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। आप ही बताए इसे कहाँ ले जाए, कहाँ भेजे, किस खुदा के पास जाए। हम भाई साहब, मैंने हॉस्पिटल के बारे में सुना है जो कि GOMC गांधरबल में है, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं वहाँ पे इसको लेकर जाओ, वहाँ पे दवाइयाँ भी मुफ्त मिलेंगी। गांधरबल में? हाँ मैंने भी सुना उसके बारे में, उधर दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती है। हाँ दवाइयाँ मुफ्त मिलती है वहाँ। चलो फिर तो थोड़े पैसे बचेंगे मेरे। बिल्कुल। क्या कर रही हो बेटा, जब देखो फोन चलाते रहती हो बस। मम्मी अब मेरे ना खाने से कौन सा पतला हो जाएगा ये। वो तो है, मगर घर की बातें भी ध्यान से सुना करो बेटा। देखो जरा भाई साहब क्या बोल रहे हैं, लेके जाओ कम से कम इसको, कहाँ जाना है, आराम से लेके जाना इसे। ठीक है मम्मी, ले जाऊँ। चलो। डियर ऑडियंस, ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विच इज लोकेटेड इन नवाबाग डिस्ट्रिक्ट गांधरबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। इट्स द फर्स्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन जम्मू एंड कश्मीर विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर्स एंड इंटेलेक्चुअल टीचर्स। द एम ऑफ दिस हॉस्पिटल इज टू प्रमोट द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। लेट्स सी हाउ मिस्टर फरहान गेट्स ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल। अस्सलामुअलैकुम। हाँ हॉस्पिटल तो अच्छा लग रहा है, गांधरबल का देखने में भी शानदार है। क्या नाम? फरहान। 35। कहाँ से? काकापुरा से। इसे ओवरवेट है और इसे बीपी का इशू है। आपका नंबर है? जी है। आप
अपने काम करें, आप ओपीडी 3 मेड को लेके जाए। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अल्लाह अकबर। नाम क्या है सर? मेरा नाम फरहान है। फरहान, बोलो फरहान साहब, आज कैसे याद किया आपने हमें? क्या बताऊं साहब, पेट बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कमी नहीं हो रहा है, नीचे नहीं देख पा रहा हूं मैं, यहां तक कि खड़ा होता तो अपना पैर नहीं दिखता है। सिक्का उठा लेते हो? नहीं सिक्का नहीं उठा पाता, बच्चों को ढूंढता हूँ उठाने के लिए, फिर वो उठा के देते मुझे, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को सांस लेने से भी मेरा वेट बढ़ रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं ऐसा कहाँ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने इसे कई डॉक्टरों को दिखाया, इसने काफी दवाइयां खाई पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है? आप एक मिनट आगे आइए, थोड़ा सा आगे नहीं हो रहा सर, थोड़ा हेल्प प्लीज। अच्छा फरहान साहब, आप एक बात बोलिए, आप पहले इसे यहाँ पे यूनानी में इलाज करने आए हैं? नहीं, यूनानी के बारे में सुना था सिर्फ, आज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस? जी जी। तो फरहान साहब, हम आपको बताते हैं, यूनानी में हम थोड़ा अलग तरीके से इलाज करते हैं जी। हम यहाँ पे दवाइयों के साथ साथ और भी गिजाओं की मदद से इलाज करते हैं। अच्छा। उसके अलावा हम रियाजत से भी इलाज कराते हैं, रियाजत का मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी। अच्छा। और उसके साथ साथ हम थेरेपीज वगैरह भी देते हैं इलाज के लिए, ठीक है? सर आपने गिजा बोला था, ये हमें खाने पीने को मिलेगा? खाने पीने को मिलेगा, मतलब वो चिकन मटन? चिकन मटन नहीं मिलेगा, बॉइल्ड फूड मिलेगा, चिकन मटन तभी तो ये हाल हुआ है। नहीं मैं खुश हो गया था थोड़ी देर के लिए। ये भी चिकन मटन ही है ना सारा? ये कैसा, अब हमें ही ठीक करना है। जी ठीक है। तो आप एक बात कीजिए, मैं आपको ओपीडी नंबर 3, ओपीडी नंबर 4 डॉक्टर जन्नत मनास जो हमारी डाइटिशियन है, अच्छा, उनके पास रेफर कर रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके उनसे अपनी डाइट के बारे में कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है? जी ठीक है सर, ओके शुक्रिया। मिस्टर फरहान इज रेफर्ड टू डाइटोथेरेपी सेक्शन। बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी एक्सप्लेन डाइटोथेरेपी ब्रीफली। इट्स अ यूनिक नॉन मेडिकल थेरेपी बाय विच द पेशेंट्स आर ट्रीटेड एंड हेल्थ इज अटेन्ड थ्रू मॉड्यूलेशन इन डाइटरी हेल्थ। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन लेज रूल्स फॉर अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड 6 एसेंशियल फैक्टर्स असबाब सिद्ध जरूरिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये डॉक्टर बासित ने आपके पास भेजा मुझे। क्या नाम है आपका? फरहान। मेरा नाम फरहान है जी। कोई बात नहीं, आप आइए, पहले मैं आपका बीएमआई चेक कर दूं। जी मुझे उठा नहीं जा रही, बहुत तकलीफ होती है, पूरी जिंदगी तकलीफ से बड़ी बड़ी लग रही है। शुक्रिया। अल्लाह हू अकबर। कहाँ से हो आप? मैं काकापुरा से। मतलब कि चावल ज्यादा खाते हो? हाँ कश्मीरी हूँ तो चावल तो ज्यादा हो गए। जी खाने में और क्या क्या खाते हो? अरे आपने दुखती नसों को छेद दिया मेरे, खाने में क्या है, दिन में दो बार पकौड़े समोसे, देखो मैं बोल रहा हूँ ना अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कभी कभी पिज्जा वगैरह भी खा लेता हूँ, कभी कभी मतलब दिन में एक दो बार। नॉनवेज ज्यादा खाते हो? अरे नॉनवेज तो पूछे नहीं, फिर नॉनवेज की बात कर दियो तो मैं आपको बता देता हूँ, नॉनवेज से पहले मैं बहुत कुछ जैसे यखनी कबाबा गोश्ताबा ये सब बहुत, और यहाँ तक कि मैं पता है दूसरे की शादी में बिन बुलाए जाकर के उधर चिकन वगैरह खा के आता था, इतना शौक था मुझे नॉनवेज खाने का। लेकिन अभी क्या है, जब से ये परेशानी बढ़ी है मुझे तब से मैंने थोड़ा कम कर दिया, और एक दो दिन से क्या मैं मील भी स्किप करने लगा हूँ। क्या ना मैंने एक दो वीडियोस ऐसे ही देखे थे यूट्यूब पे, उन्होंने बोला कि अगर आप खाना छोड़ोगे ना दिन में तो आपका वेट कम होगा, तो मैं उनको थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ। नहीं नहीं फरहान, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि यूट्यूब या गूगल से सॉल्यूशन मांगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। ये आपके साथ है? जी मेरे साथ। तो कोई बात नहीं, मैं आपको डाइट चार्ट बना देती हूँ, आपको उसी के अकॉर्डिंग खाना देना है, ठीक है? ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है डाइट ये फॉलो करो पतला मैं हो जाऊं? पतला आपको होना है तो फॉलो भी आप ही को करनी पड़ेगी। क्या मैं, मेरे को लगा ऐसा कुछ हो तो। ये लीजिए, इनका तला खाना, बाहर का खाना, जैसे ये बोल रहे हैं पिज्जा मैं खाता हूँ, ये सब थोड़ी देर के लिए बंद करें,
नमक भी थोड़ा कम कीजिए, हाइपरटेंशन है ना इनको, चाय कॉफी भी थोड़ा कम करो, बाकी सब मैंने इसमें लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप इनको खाना देना ठीक है। अच्छा, नॉन चाय वगैरह कुछ नहीं पीना है? नहीं नहीं, कुछ टाइम आप थोड़ा सा स्टॉप करो उसको। अब मैं आपको डॉक्टर अयान के पास भेजती हूँ, वो आपको थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे ठीक है। ठीक है मैम, शुक्रिया। बहन ये प्लीज मैम ने जो डाइट चार्ट दिया ना वो मुझे फॉलो करवा देना। चुप कर यार, शर्म कर, बचपन से बोल रही हूँ कम खाया कर। अब क्या गुस्सा कर रहे हो, अब क्या फायदा, अब छोड़ो ना। ऑडियंस यू सॉ हाउ अ डॉक्टर एक्सप्लेन्स टू पेशेंट अबाउट अ बैलेंस्ड डाइट। नाउ द नेक्स्ट इंटरवेंशन इन हिज ट्रीटमेंट इज बाय इलाज बिद तदबीर व्हिच इज रेजिमिनल थेरेपी। रेजिमिनल थेरेपी इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू व्हिच द मॉर्बिड मैटर इज एलिमिनेटेड और इट्स एक्सेसिव प्रोडक्शन इज ब्लॉक्ड और इट्स स्प्रेड इज अरेस्टेड एंड रिजॉल्व्ड बाय सर्टेन टेक्निक्स एंड देयर बाय रिस्टोरिंग ह्यूमरल इक्विलिब्रियम। रेजिमिनल थेरेपी कंसिस्ट इज हिजामत दैट्स कपिंग, फसद मेनिसेक्शन, तालीक, लीचिंग एंड काई कॉटराइजेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर मुझे डॉक्टर जन्नत ने आपके पास भेजा है। क्या प्रॉब्लम है? सर जैसे कि आप देख ही पा रहे हो मैं बहुत परेशान हो गया इस पेट को लेके, दिल तो करता काट के हटा दूं इसको लेकिन काट नहीं सकता। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, बहुत परेशान। मैं चलता हूं ना थोड़ी देर मेरा सांस फूलने लगता है। अभी आप देख रहे हो मैं थोड़ी देर ओपीडी में चल के आया हूं, मेरे सांस फूल रहे हैं। ठीक है अब आप ही बताओ क्या करूं मैं इस परेशानी का। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, बात नहीं है। आप मुझे अच्छा। बताओ आप काम क्या करते? मैं दुकान चलाता हूँ सर। इससे अच्छा आप खुद चल लेते हैं। सर क्या है ना, चलने में क्या होता है जब मैं थोड़ा चलता हूँ ना मेरे घुटनों से आवाज आती है चुई चाई के, तो वो मुझे अजीब लगता है, फिर चल नहीं पाता हूँ मैं ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, बात नहीं है। आप मुझे बताओ क्या काम करते? मैं दुकान चलाता हूँ और दुकान मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, कैसे जाते हो? गाड़ी से ही जाता हूँ सर। आप एक काम करो, गाड़ी को छोड़ो, आप यहाँ तो पैदल जाया करो। मतलब मैं दुकान पैदल जाऊँगा? हाँ। वो तो बहुत परेशानी होगी फिर। या फिर साइकिल का इस्तेमाल। अच्छा ठीक है सर। ठीक है मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ ठीक है। रियाजत आप वो कर लीजिए, जैसे मॉर्निंग में ब्रिस्क रनिंग करनी है। ये क्या होता है सर ब्रिस्क रन? आस्ता आस्ता दौड़ना है। आस्ता दौड़ना सही बात है सर, मेरे से तेज होगा भी नहीं। जब आप पी सोओगे ना तो हमारे यहाँ पे काढ़ा मिलता है ठीक है, उसको ग्रीन टी की तरह पीना है ठीक है। अच्छा अच्छा। इवनिंग में वॉक करनी है ठीक है, घर पे थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। अच्छा हल्की फुल्की। और एक बात, वैसे तो हमारे यहाँ पे हमाम बहुत मुफीद होता है ठीक है, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा, फिर आप कर सकते हो ठीक है। ये आपके साथ है? जी मेरे साथ है। मैं आपको ये एक्सरसाइज चार्ट देता हूँ, आप इनको रोज करवाइए ठीक है। डॉक्टर साहब मैं क्या बोलता हूँ, इसमें थोड़ा एक्सरसाइज लिख दो ना कि ये भी करे ताकि मुझे थोड़ा कंपनी मिल जाए, अकेले में मुझे अच्छा नहीं लगता एक्सरसाइज। कोई बात नहीं, आप ना रोज इसकी मदद करें ठीक है। जी मैं आपको ओपीडी नंबर 3 में भेजता हूँ जी, वहाँ डॉक्टर पास ही थे, आप वहाँ से मेडिसिन। अच्छा उनके पास फिर से जाना भी? हाँ। अच्छा अच्छा मेडिसिन के लिए ठीक है सर, शुक्रिया। चलो मैं एक्सरसाइज करवाना और खुद भी करना साथ में। आओ फरहान साहब। जी डॉक्टर साहब, आपने जो डाइजेशन और एक्सरसाइज वाले के पास भेजा था ना, तो उन्होंने कुछ चार्ट दिए हैं, डाइट चार्ट और एक्सरसाइज के चार्ट्स। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने इससे पहले कहीं पे इलाज करवाया है अपना? जी मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास इलाज करवाया है इससे पहले। आपने कोई टेस्ट वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट की? ठीक है मैं आपका टेस्ट और चेक कर लेता हूँ। ठीक है फरहान साहब, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है जी, ये ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ ठीक है, आप ये ले लीजिए ठीक है। ये वाली दवाई आप ले लीजिए, 2 टाइम ले लीजिए, सुबह और शाम जी। ये वाली दवाई आप ले लीजिए बिफोर ब्रेकफास्ट जी, और ये वाली दवाई आप ले लीजिए सुबह शाम 2 टाइम ले लीजिए जी बिल्कुल। ये आप सब ले लीजिए 15 डेज के लिए। अच्छा 15 डेज के? हाँ जी 15 डेज के लिए जी। तो इसके अलावा आप एक बात कीजिए, आप इनके साथ हो जी, आप हमें आपको कुछ होम रेमेडीज बताता हूँ, आप वो भी यूज कीजिए तो उससे भी फर्क होगा। जैसे कि अर्के जीरा है तो सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट आप उसको इनको पिलाइए थोड़ा थोड़ा। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास हर्बल टी आती है
हर्बल टी भी आप इनको पिलाइए और उसके अलावा कैमोमाइल टी है वो भी इनको पिलाइए आप, ठीक है? तो उनसे इंशाल्लाह आपको फर्क होगा। अब आप एक बात कीजिए, फार्मेसी से दवाइयाँ ले लीजिए और 15 डेज के बाद फिर आप मेरे को दिखाइए। ठीक है सर, अभी तक तो यूनानी के बारे में सुना था, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं, फॉलो करके देखता हूँ मैं इंशाल्लाह फर्क होगा इंशाल्लाह। ठीक, शुक्रिया सर। With all the hope, therapies and medicines, Mr. Farhan continues his treatment for 15 days with proper exercise and balanced diet. After 15 days, let's see the effect of all the therapies and other interventions. बताओ फरहान साहब कैसे हो? जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं मैं थोड़ा तंदुरुस्त हो गया हूँ पहले से, और थोड़ा हल्का फील कर रहा हूँ अपने आप में। मतलब आप लोगों ने जो डाइट चार्ट और जो भी एक्सरसाइज का चार्ट दिया था ना, मैंने उसको अच्छे से फॉलो किया, कुछ ये खाने पीने में मैंने थोड़ा कंट्रोल किया जो पहले मैं नहीं करता था, तो मुझे अच्छा फील हो रहा, लग रहा है कि मैं थोड़ा हेल्दी हूँ। आप वो दिख भी रहा है कि कितने हेल्दी हो गए आप जी। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप ये जो मैं दवाई दे रहा हूँ जी, आप 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू कीजिए जी, ठीक है? 3 मंथ्स में इंशाल्लाह आपको और भी फर्क होगा, उसके बाद आप फिर मेरे को फिर से चेकअप के लिए करेंगे, ठीक है? सर आप मुझे बॉलीवुड से ऑफर आ सकता है? आ सकता है, क्या पता ऋतिक रोशन का ही होगा, इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया सर। बहुत अच्छा दिख रहा हूँ आजकल मैं, मतलब हल्का फील हो गया, ये तो गजब ही हो गया, यूनानी सिस्टम ने पूरा जिंदगी बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम खाल साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत? खैरियत बस अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर हूँ। पहले तो जो परेशानी थी वो हल हुई? अरे आप देख ही पा रहे हो कितना हल हो गया जी जी, उसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यूनानी सिस्टम सजेस्ट किया। मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया यूनानी का और मुझे बहुत फायदा हुआ, जैसे आप देख पा रहे हो वेट कम हो गया मेरे को, ऐसा मतलब हल्का फील हो रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं कुछ वजन लेकर के चल रहा हूँ या कुछ, और थोड़ा बीपी का भी प्रॉब्लम नॉर्मल हो गया। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब है ना जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो परेशान है एकदम, मैं उनको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप यूनानी सिस्टम एक बार एक्सपीरियंस करो। बिल्कुल बेटा बिल्कुल जी, यूनानी सिस्टम है इसके बारे में सबको पता होना चाहिए जी जी। तो आपका काम है अगर किसी और को पता चले जी। बिल्कुल बिल्कुल। डियर ऑडियंस, The purpose of this short skit was not to defame any system of medicine, but to bring awareness about how important is the role of balanced diet and exercise, and to promote the line of treatment in Yunani system of medicine, which includes dieto, regimenal, and pharmacotherapies, and is the fundamental goal of Yunani system of medicine. Let's end this play with the beautiful quote: "Tarika-e ilaaj iska juda hai, rab ki is pe musalsal ata hai." तरीका इलाज इसका जुदा है, रब की इस पे मुसलसल आता है। मुनफरिद तिब है तिब यूनानी, मुनफरिद तिब है तिब यूनानी, दवाओं में इसकी शिफा ही शिफा है। On that note, this brings us to an end. Have a nice day. Allah Hafiz Nas. Thanks. This